नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली NCR में। दोस्तों, मैं हूं रंजीत। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात कर रहा हूं आपसे जो बड़ा ही कॉमन है, और पिछले कुछ दिनों में जब मैं बात कर रहा था अपने कुछ फ्रेंड सर्कल में तो बड़ी ही ऐसी कॉमन चीज़ें सामने आई है, और ये उनकी नहीं लाखों लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो मैं सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। मैं हमेशा बातें करते रहता हूं अपने चैनल पे बिजनेस की, कुछ बिजनेस आइडियाज़, कुछ होलसेल मार्केट, कुछ फैक्ट्री वगैरह दिखाते रहता हूँ ताकि आप लोग काम शुरू कर पाएँ, आप लोग आगे बढ़ पाएँ। और ये पिछले कुछ टाइम की बात है, मैं अपने फैमिली में ही किसी से बात कर रहा था कि आप कुछ और अच्छा कीजिए, आप कुछ और आगे बढ़ने की क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब था कि मैं जो कर रहा हूँ, जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड है वो, और उनके अंदर ये डर है कि अगर वो उस काम को छोड़ देंगे तो शायद वो काम भी उसे दोबारा ना मिल पाए या उससे भी बदतर हालत उनकी हो जाए। ये एक हमारे रिश्तेदार या हमारे फ्रेंड की कहानी नहीं है दोस्तों, ये लाखों लोगों की कहानी है। आज आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की परेशानी में जूझ रहे हैं। उनके अंदर एक डर है जो उन्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और वो उसी तरह की जिंदगी लगातार जी रहे हैं जो पिछले कई सालों से जी रहे हैं, और वो चेंज करने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कहीं अगर मैं कुछ अच्छा सोचूं, कुछ अच्छा करूं, तो कहीं जो मेरे हाथ में है वो भी ना निकल जाए, जो मेरी दाल रोटी है, जो मेरे फैमिली है वो चल रहा है, वो भी कहीं और बुरी कंडीशन में ना पहुंच जाए। और ये डर है जिसकी वजह से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, यही सिचुएशन है, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मैं जिस भी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिसके पास भी मैं नौकरी कर रहा हूँ, अगर वहां से मुझे निकलना पड़े, अगर वो काम मुझे छोड़ना पड़े, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ये डर को कल के बजाय आज क्या अभी खत्म कीजिए आप, और ये तभी खत्म होगा जब आप अपना बैकअप तैयार करेंगे। अगर आप कुछ अपना बैकअप तैयार कर लेंगे, कुछ एक ऐसा सपोर्ट आपको बैक से मिल जाएगा कि वो नौकरी ना भी रहे तो आप सरवाइव कर सकते हैं, तो फिर वो डर जो है ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। और मेरी यही कोशिश है, मैं इतने टाइम से, मोर देन 1 ईयर हो गए, मैंने 370 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड किए हैं, और बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है। डेफिनेटली जो कमेंट आप लोगों के होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, और बड़ा ही अच्छा फील होता है। तो सेम चीज़ें मैं आज फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर आपके अंदर डर है, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उस डर को निकालिए। और इसके लिए एक ही चीज़ है, आप साइड बाय साइड कुछ और कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप नौकरी छोड़ के घर बैठ जाइए, और अगर आपको डर भी लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे काम करते रहिए, बट साइड बाय साइड घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना भी टाइम मिलता है आपको, उस टाइम में कुछ ना कुछ बिजनेस आप प्लान कीजिए, छोटे से छोटे बिजनेस। मैंने आंवले का जूस से लेके गन्ने का जूस का हर तरह का छोटे से छोटे बिजनेस आपके साथ शेयर किया है। शायद आप लोगों को लग भी रहा होगा कि ये कौन सा बिजनेस है, क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। मुझे पता है सभी के बस की बात नहीं है ये सारे काम कर पाना, बट काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, और वो लोग कमेंट करके बताते हैं मुझे कि सर आज मैं 2,000 3,000 रुपया महीने साइड से मुझे आ रहे हैं इससे। तो कितनी खुशी होती है आप सोच सकते हैं, आपके घर का किराया निकल जाएगा, आपके कुछ ज़रूरी चीज़ों का खर्चा निकल जाएगा। तो इस तरह का क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आप फियरलेस हो जाएंगे, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा, और ये करना पड़ेगा, आपके अंदर जो डर है उसको खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये भी हमें दिक्कत सुनाते हैं कि सर हमारे जो रिश्तेदार थे उन्होंने काम छोड़ दिया, आज बहुत बुरी कंडीशन में है, हमारे फ्रेंड सर्कल ने वहां से काम छोड़ दिया, आज वो भी काम नहीं मिल रहा है। चल ठीक है, मान लिया एक सेकंड के लिए आप ही सही हो, मैं गलत हूँ, जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मान लिया मैंने, बहुत अच्छे लोग हैं आपके मालिक जो हैं, आपके ऑनर जो हैं फैक्ट्री के, बहुत अच्छे हैं, या आपके कंपनी के जो भी हैं हेड, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बट कल के दिन अगर वो एक सेकेंड के लिए आपको बोल देता है कि कल से आपको काम पे नहीं आना है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? आपको कंपनी से निकाल देगा तो क्या करेंगे आप सोच के देखिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वो कुछ ना कुछ वाली जो बात है वो कल क्यों करें, आज से क्यों ना सोचें, मेरी तो यही सलाह है कि तो स्टार्ट कीजिए छोटा सा ही बिजनेस, सही, छोटे छोटे से ही आदमी बड़ा बनता है। पूंजी कम है आपके पास, पैसे नहीं है, तो भी हजारों के हजारों आइडिया है, और मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, छोटे छोटे काम है जो आप करके अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सब कुछ आपको करना है, बट मैं एक सलाह दे सकता हूँ आपको, मेरी तो राय यही है कि जो डर आपको खाई जा रहा है अंदर से,
वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, और ये डर जब तक आपके अंदर है कि मुझे निकाल देगा तो क्या करूंगा मैं, या मैं अगर काम छोड़ दूंगा तो दूसरा काम नहीं मिलेगा, ये कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और वो वक्त दूर नहीं रहेगा जब आपकी उम्र खत्म हो जाएंगे, 40 साल 50 साल, और वो टाइम भी आएगा जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, एक दिन आएगा जब आपका फैक्ट्री का मालिक या आपके कंपनी का मालिक खुद ही आपको बोलेगा, भैया आप साइड पकड़ लो, आपके बस की बात नहीं है। और तब आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया, 20 सालों में पूरी टाइम मैंने दे दी इनके लिए, बट अपने लिए मैंने कितना टाइम निकाला, अपने बीवी बच्चों के लिए कितना टाइम निकाला, मैंने क्या किया, ना मेरे पास पैसे बची और ना मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं कुछ और काम कर सकता हूँ। तो क्यों ना उन जो काम कल करना है आपको, वो आज से अभी से स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए बिजनेस को, जो एक से एक आइडिया है, छोटे से छोटे मैं शेयर करते रहता हूँ आपके साथ। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि लाखों लोगों तक जाए, और जो लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, डर में जिंदगी जी रहे हैं, वो अपना डर खत्म कर पाए और कुछ काम स्टार्ट करके और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।